आए रहते हैं बिना आज्ञा प्रवेश पर गोली मार दी जाएगी। यहाँ पे सब दबंगे रहते हैं, समझे नहीं आता है। यहाँ पे आए गाइस, ये हॉस्टल हेलो गाइज, मैं रुद्रा और स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। तो हम लोग जा रहे हैं गाजीपुर, और गाजीपुर किस काम के लिए जा रहे हैं वो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो हमारे साथ है अनुज भैया, ये विवेक भैया, और ये भाई साथ में है अमित भैया, और ये विकास भैया। मास्क सब निकालो यार। तो गाइज, ऐसे हम लोग 5-6 लोग बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, और कुछ हम लोगों का काम भी है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, काफी मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। हम लोगों की ट्रेन आ चुकी है, और ये विकास भाई फ्रंट पे। हाँ, यही भैया जी का ही ट्रेन चलता है। भैया जी बताइए, सब इनका ही है, सब रेलवे, पूरा रेलवे जितना रेलवे है सब भैया का है। अरे सरकार का मतलब क्या? हाँ, सब सरकार अपनी है, बीजेपी की ट्रेन अपनी है, फिर भी हम लोग इधर उधर कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि पब्लिक को बैठने दें, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, सबको एक मिनट में ट्रेन खाली करवा देंगे। लेकिन कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर, तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। गाइस, पूरी ट्रेन ही अपनी थी, लेकिन आम पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो इसलिए ट्रेन खाली नहीं कर रहा है, हम लोग खड़े होकर जा रहे हैं। और ये भैया इन्हीं की ट्रेन है, हमारा कुछ नहीं, सब जलवा इनका है। तो हम लोग जा रहे हैं, हम सिर्फ पड़ोसी हैं, इसलिए हम लोग का जलवा कायम है। तो पहुंचते हैं गाइस गाजीपुर, उसके बाद दिखाते हैं। हम लोग गाजीपुर स्टेशन पे आ चुके हैं और जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हमको जाना है, वहाँ पे पहुँच के आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। ये भाई लोग आगे आगे जा रहे हैं। गाइस सिटी से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया बता दीजिए। गाइस कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, इतना पता है। मेरा आने का मेन रीजन ब्लॉग बनाना था, वैसे आने का कोई। अब पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे बता रहे हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठंडी लग रही है भैया, ठंडी लग रही है। ये वीडियो बनाने के लिए सस्पेंस है। अच्छा, ठंडी लग रही है? नहीं, अब गर्मी हो रही है गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठंडी का नामो निशान नहीं है। अबे साले, जब पैदल चलने के बाद हम लोग अपने लोकेशन पे आ चुके हैं, गलत लोकेशन पे हमको उतार दिया था। देखिए यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हम आए हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सावधान, अपरिचित व्यक्तियों को बिना आईडी प्रूफ के प्रवेश वर्जित है। गाइस ये बुरा लिखा है, हॉस्टल में छात्र छात्राएं रहते हैं, बिना आज्ञा प्रवेश पर गोली मार दी जाएगी। यहाँ पे सब दबंगे रहते हैं, समझे नहीं आता है। यहाँ पे आएंगे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो गाइज मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर मतलब भैया लोग ये गांव के थे, इन लोगों को मतलब सूचना मिला था कि यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है कुछ प्रशिक्षण, और मेरा मूड थोड़ा ऑफ था, सोचा 2-3 दिन इन लोगों के साथ रहूँगा तो मूड थोड़ा बढ़िया भी हो जाएगा, और एक सर्टिफिकेट टाइप का यहाँ पे कुछ मिलेगा। तो ऐसा कुछ सीन था गाइज, तो देखिएगा वीडियो में, पूरा मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कर लेना यार। तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं तुम लोगों के, कर लेना प्लीज सब्सक्राइब। मिला है यहाँ फॉर्म भरने के लिए, एक पेन मिला है, ये कुछ फाइल जैसा, इसमें एक कॉपी है, ऐसा कुछ देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए फॉर्म भरने में कितनी ज्यादा मिस्टेक करके हंस रहे हैं। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स का पक्ष होती, मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे। ये देखिए स्पीच चल रही है नेहरू युवा केंद्र के नेतृत्व में, ये सर स्पीच दे रहे हैं 1 घंटे से, इनको मैं सुन रहा हूँ। दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लोग टोटल 45 लोगों की टीम है, 45 लोगों की, और यहाँ पे मुख्य अतिथि जो भी आने आ चुके हैं, और यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो गया। Thank you.
जी की आवाज बहुत स्लो थी लेकिन फिर भी अच्छा गाएं। स्वागत गीत वेलकम सॉन्ग बहुत देखो चमका नभ में तारा, देखो चमका नभ में तारा, खुशियों का पैगाम लाया, आज मुस्कुरा कर मन में गुनगुना कर, करते हैं हम स्वागतम, हो करते हैं हम स्वागतम। भाई इन लोगों को 80 के स्पीड में, क्योंकि सभी लोग 7 बजे का यहाँ पे आए हैं और अब तक किसी को कुछ नहीं मिला है यहाँ पे खाने के लिए। वैसे कहीं लोकेशन बहुत बढ़िया है यहाँ पे रील वील बनाने के लिए, इंस्टाग्राम की रील्स यहीं पे बनेंगी 2-4। हमारे शूटर भाई हैं यहाँ पर, विकास भाई, वो बनाएंगे रील हमारी। ठीक ठाक अच्छा खासा प्ले ग्राउंड है ये। पूरी खाओगे? कितना पूरी खाओगे? वो दो भाई खाएगा। अरे वाह। अच्छा आप भाई आप कितना खाओगे? 6-7 तो पूरी दोगे। 10-12। अच्छा भाई अपना बताओ। एक में गुजारा हो जाएगा। अरे यार अच्छा। और मेरा तो भूख लगा है, मैं तो ऐसे 45-50 से कम नहीं खाऊंगा। 50 2-4 दर्जन हो जाएगा बस उतना बहुत है। प्रिया और यहाँ पर हम लोग हाथ पाथ धो चुके थे पहले ही, और यहाँ पे आए खाने से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी होता है। खाना में लपट गए और यहीं पे हम लोग। तो कितना पूरी खाओगे भाई? कितना कितना बताओ बताओ। 50 पूरी खाएंगे भाई। ऐसा कुछ हाँ यार है भाई। और हम लोगों का प्लेट अमित भाई का ले लियो। चुका है सभी लोग खाना खाएंगे। खाएंगे भैया कितना पूरी? 8 बजे से भूखे हैं, सबसे ज्यादा भूख लगा था। कितना खाएंगे बताइए? 10 खाएंगे बाबा। मैं तो वैसे ही 50 से कम नहीं खाने वाला, आज पूरा बॉडी सॉडी बना के जाऊंगा यहाँ से। अबे साले पूरी खा चुके हैं, इतना देर पूरी खा चुके हैं, बहुत भूख लगा है। लोग पूरा बढ़िया से खाना वाना खा चुके थे, और खाना वाना खा कर सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, तो मैं थोड़ा इधर घूमने चला आया और थोड़ा ब्लॉग के बारे में बताता हूँ। तो गाइज यही कुछ था अपना ब्लॉग। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज पूरा यहाँ पे 3 दिन का हम लोगों का ट्रिप है, तो पूरा 3 दिन का वीडियो दिखाऊँ गाइज। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिएगा कैसा है सब। मिलते हैं गाइस, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे